दोस्तों, आज मैं आपके साथ महाराष्ट्र की फेमस ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है हेल्थी कोथिंबीर वड़ी, जिसे हम दो मेथड से बनाएंगे। और इसमें है ना, बहुत ज्यादा ही हम कोथिंबीर का यूज करने वाले हैं। और कोथिंबीर तो बहुत ही फायदेमंद भी होती है और हर फरसान में इसका यूज होता है। मतलब कि बिना कोथिंबीर, हम हरे धनिया के बिना कोई फरसान कंप्लीट ही नहीं होता है। इसके साथ चटनी भी सर्व करो ना, तो वो भी कोथिंबीर की ही होती है। और इसे हमें ना दो मेथड से, मतलब कि स्टीम कर हम खा सकते ना, उस तरह से भी बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्थी हो जाएंगे। और हम इसे बनाएंगे बहुत ज्यादा ही कोथिंबीर लेकर। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, कुछ खास टिप्स और ट्रिक के साथ। तो आगे बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं इसके सारे इंग्रेडिएंट्स। नमस्ते दोस्तों, पारुल भारूशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आप ये चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि रोज नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एक बड़े से बोल में हमने एक कप बेसन लिया है और बेसन को हमने छान लिया है। अब हम बेसन में एक कप पानी लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमें बेसन को छानना बहुत ही जरूरी है और इसमें कोई गुठली या लंप्स ना रहे ना, तब तक हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम परफेक्ट बैटर हम इसका बना लेंगे। और अभी हमने यहाँ पर बारीक कटा हरा धनिया 2 कप लिया है, मतलब कि जितना हमारे पास बेसन है ना, उससे डबल क्वांटिटी हमने इसमें कोथिंबीर ली है। इसका नाम कोथिंबीर वड़ी है, तो हमें कोथिंबीर का ज्यादा से ज्यादा ही यूज करना है। अभी हमने क्या किया है, उसका एक तड़का तैयार कर लेंगे। एक पैन में हमने 2 चम्मच तेल ले लिया है, मतलब कि 2 टीस्पून हमने तेल ले लिया है। और तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमने इसमें डाला है 1 चम्मच राई और 1 चम्मच हमने इसमें डाला है सफेद तिल। और तिल अच्छे से क्रैकल हो जाए ना, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे, क्योंकि हमारे मसाले है ना अच्छे से मिक्स हो जाए और जल भी ना जाए। सारे मसाले तेल में अच्छे से पक चुके हैं। अब तुरंत ही हम इसमें 2 कप बारीक कटी हमारी कोथिंबीर ले लेंगे और 1 चम्मच इसमें हम ले लेंगे लहसुन और हरी मिर्च की चटनी और स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। अब ये सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब कि तेल में ही जो सारे मसाले हैं उसके साथ सोते करेंगे, ताकि सारे मसाले और कोथिंबीर है ना एक साथ घुल मिल जाए। और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को स्लो ही रहने देंगे, ताकि सारे मसाले एक साथ मिल जाए। और अभी हमने जो 1 कप बेसन और 1 कप पानी को घोल बनाकर रखा था ना, वो भी ऐड कर देंगे और साथ ही में और एक्स्ट्रा 1 कप पानी भी ऐड कर देंगे। मतलब कि हमने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है और 2 कप बारीक कटी हरी कोथिंबीर ली है और 2 कप पानी लिया है, मतलब कि बेसन से डबल सारी सामग्री हमने इसमें ली है। अभी ये सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, कोई लम्स और गुठली ना रहे तब तक हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। और कोथिंबीर वड़ी है ना, हर जगह पर अलग अलग स्टाइल में बनती है। अभी हम इसमें लेंगे 2 बड़े चम्मच दही, मतलब कि गाढ़ी वाली दही हमने लिया है। थोड़ा सामान कुक हो जाने के बाद हम इसमें दही डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और दही डालने के बाद बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सारे सामान के साथ दही भी अच्छे से घुल मिल जाए। और दही से है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, एकदम क्रीमी। और अभी आप देख सकते हो कि हमारी सारी सामग्री अच्छे से कुक हो रही है। हमारा सारा मिश्रण तो अच्छे से पक चुका है, पर अब हम क्या करेंगे, एक थाली में अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और जो हमारा मिश्रण हमारा पक चुका है ना, वो उसको ये मिश्रण एक प्लेट में डाल देंगे। मिश्रण को हमने ऑलरेडी कढ़ाई या पैन में अच्छे से पका तो लिया है, पर थोड़ा बहुत कुछ भी कच्चापन रहेगा ना,
वो हम इस थाली में डालकर इसे 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम करेंगे ना, तो वो कच्चापन भी चला जाएगा। कोथम्बीर वड़ी का मिश्रण हमने प्लेट में भी अच्छे से सेट कर लिया है और एक साइड हमने कढ़ाई में पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है और हमारा पानी है ना वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी ये कढ़ाई के अंदर हमारी जो मिश्रण वाली थाली है उसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। आप गैस की फ्लेम देख सकते हो कि मैंने गैस को एकदम फास्ट रखा है और 5 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम कर लिया है और 5 से 6 मिनट में ये हमारी कोथम्बीर वड़ी अच्छे से स्टीम हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो कि हम इसको है ना नाइफ से चेक भी कर लेंगे। देखिए हमने नाइफ को हमारी कोथम्बीर वड़ी की प्लेट में डाला तो हमारा नाइफ एकदम क्लियर बाहर आ रहा है, मतलब कि उसमें कुछ भी कच्चापन नहीं है। ये वड़ी हमारी अच्छे से स्टीम हो चुकी है। अभी ये वड़ी को हम थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखेंगे और उसके बाद हमें मन चाहे सेब के उसके कटिंग कर लेंगे, मतलब कि हमें अगर बड़े पीसेस चाहिए तो बड़े पीसेस भी कट कर सकते हैं और छोटे चाहिए तो छोटे। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हर साइड पे अलग अलग तरह से बनती है कोथम्बीर वड़ी, आप चाहे तो इसके अंदर अदरक का भी पेस्ट यूज कर सकते हो। और हमने ना बहुत ही कम तेल में बनाया है, मतलब कि जैसे हमने शुरुआत की ना तब हमने सिर्फ 2 टीस्पून ही तेल का यूज किया है। अभी जो स्टीम की हुई कोथमीर वड़ी है ना उसको भी हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है और सारे मसाले भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अभी हम एक पीस को निकाल कर चेक भी कर लेते। अभी ये अच्छे से स्टीम हो चुकी है ना तो हम स्टीम की हुई भी कोथमीर वड़ी सर्व कर सकते हैं, मतलब कि जो डाइट फॉलो करते हैं ना उनके लिए ये परफेक्ट है। और अभी क्या करेंगे, हम इसे पहले सैलो फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पर पैन में 2 से 3 चम्मच तेल ले लिया है और जो हमारे पीसेस को हमने कट किया है ना उसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सैलो फ्राई कर लेंगे, मतलब हम यहाँ पर तलने वाले नहीं है, इसे सैलो फ्राई करेंगे और इसे ना एकदम ब्राउन कलर आने तक अच्छे से सैलो फ्राई करेंगे ताकि ये ना ऊपर से एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी रहेगी और अंदर से ना एकदम सॉफ्ट हमारी कोथम्बीर वड़ी रहेगी। हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि हमारी जो कोथम्बीर वड़ी है ना वो परफेक्ट एकदम अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। तो एक साइड हमारी कोथम्बीर वड़ी अच्छे से क्रिस्पी कलर की हो चुकी है, मतलब की हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो दूसरी साइड भी हम पलट कर इसको गोल्डन ब्राउन कलर कर देंगे और हमें दोनों साइड इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेलो फ्राई करना है। तो अभी हमारी सारी कोथम्बीर वड़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी है तो हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अब देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट हमारी कोथम्बीर वड़ी सेलो फ्राई होकर रेडी है और आगे हम देखेंगे इसे डीप फ्राई कैसे कर सकते। तो यहाँ पर हमने पैन में तेल गरम करने के लिए रख लिया है और गरम तेल के अंदर हम ये कोथम्बीर वड़ी को धीरे धीरे करके डालते जाएंगे। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और जैसे हम कोथम्बीर वड़ी डालेंगे ना तो गैस की फ्लेम को हाई रखना है। यहाँ पर अगर हम फ्लेम स्लो करेंगे तो जो हमारी कोथम्बीर वड़ी है वो ज्यादा तेल को एब्जॉर्ब करेगी, मतलब कि ज्यादा ही ऑयली बनेगी। तो यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को स्लो नहीं करना है, हाई फ्लेम पर ही हमें इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक डीप फ्राई करना है। जो एक साइड अच्छे से पक जाए ना तो उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे तो दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक डीप फ्राई करेंगे। तो एक ही कोथम्बीर के हमने 3 टाइप से कैसे सर्व करते हैं ना वो हमने एक ही वीडियो में बना लिया है। तो हम इसे स्टीम वाला भी यूज कर सकते हैं, सेलो फ्राई वाला और डीप फ्राई वाला भी। अभी आप देख सकते हो कि हमारी कोथम्बीर वड़ी अच्छे से डीप फ्राई भी हो चुकी है। अभी एक प्लेट जो है वो हमारी सेलो फ्राई वाली है ये, और दूसरी जो है हमने उसे डीप फ्राई किया है और दोनों में आप देख सकते हो ज्यादा फर्क नहीं है। सेलो फ्राई में बहुत ही कम ऑयल में ये सेलो फ्राई हो जाती है और डीप फ्राई में भी ज्यादा ऑयल नहीं खींचता है। हमें इसको है ना ऊपर से एकदम कुरकुरा रखना है ताकि कोथम्बीर वड़ी का है ना मजा बहुत ही आता है। और हमने इसे सर्व किया है
टोमेटो चटनी और कोथिंबीर की हरी चटनी और हरी मिर्ची के साथ हमारी तैयार है ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन रेसिपी कोथिंबीर वड़ी। तो दोस्तों, आप भी ये कोथिंबीर वड़ी की रेसिपी जरूर से ट्राई करना, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो फिर जल्दी मिलेंगे और नई रेसिपी के साथ। रोज नई रेसिपी के लिए पारुल भानुशाली की रेसिपी को फॉलो करते रहिए। आप मुझे अपने सजेशन और सुझाव भी है ना कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ताकि और मेरी रेसिपी में मैं थोड़ा चेंजेस कर सकूं।